दोस्तों आज के मॉडर्न दौर में टैटू का क्रेज अपने चरम पर है। स्टाइलिश और कूल दिखने के लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टैटू बनवाना युवा पीढ़ी के लिए फैशन बन गया है। कोई किसी चाहने वाले का नाम लिखवा रहा है तो कोई कुछ और। भारत में टैटू की दीवानगी नई नहीं है, इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। पहले इसे गूदना या गोदना कहा जाता था। प्राचीन भारतीय परंपरा में टैटू अलग अलग प्रजातियों की निशानी हुआ करती थी। वैसे तो आप अपनी इच्छा और बजट के मुताबिक कोई भी टैटू बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप सस्ते के चक्कर में चौक चौराहे या मेले में टैटू बनवाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी जगह टैटू बनवाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 10 जिलों में 40 लोग ऐसे मिले हैं जो टैटू बनवाने के बाद HIV संक्रमित हो गए। इनमें से 26 लोग ऐसे थे जिन्होंने सड़क किनारे टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट से टैटू बनवाया था। दोस्तों आमतौर पर कलाकार मशीन का उपयोग करते हैं जो सिलाई मशीन की तरह ही होती है। टैटू बनवाते समय दर्द और थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों टैटू की इंक में कई ऐसे खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। ज्यादातर टैटू में क्रोमियम, मैग्नीज, कार्सिनोजेनिक केमिकल पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद एल्यूमिनियम और कोबाल्ट जैसे केमिकल स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार टैटू बना रहे लोग पुरानी इंक का इस्तेमाल करते हैं। पुरानी रखी हुई इंक में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। जब आप अनप्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट से टैटू बनवाते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वे ज्यादातर पुरानी और पहले इस्तेमाल की जा चुकी नीडल का उपयोग करते हैं। चलिए जानते हैं कि आगे टैटू बनवाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, कभी भी सस्ती और अनप्रोफेशनल जगह से टैटू ना बनवाएं। दूसरा, ऐसे टैटू स्टूडियो में जाएं जिनके पास इसका लाइसेंस हो। तीसरा, अपने सामने ही नया नीडल का पैकेट खुलवाएं। चौथा, नीडल और इंक की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। पांचवा, टैटू बनवाने के लिए ब्रांडेड नीडल का ही इस्तेमाल करें। छठवा, आर्टिस्ट ने साफ ग्लव्स पहने हैं या नहीं ये भी जरूर चेक करना चाहिए। इन सब चीजों को चेक करने के बाद ही आप टैटू बनवाएं। वैसे दोस्तों इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।